बिहार की मंडियों में ना तो एपीएमसी एक्ट लागू है और ना ही यहाँ धान और गेहूं की सरकारी खरीद की कोई व्यवस्था बनी है। ऐसे में यहाँ के गेहूं किसानों के लिए अब तक अपनी फसल बेचने का एकमात्र विकल्प यही था कि वो किसी ट्रेडर या बिचौलिए के हाथों जिस भी भाव पर वो चाहे अपना माल बेचते थे। लेकिन अब एक सरकारी पहल से पहली बार ये संभव हो पा रहा है कि एक ओर तो जहाँ किसान अपने घर से अपना गेहूं बेच रहा है, वहीं बाद में समय के साथ उसके दाम में होने वाली बढ़ोतरी में भी उसको हिस्सा मिलने की संभावना बनी है। पंजाब और हरियाणा ने जब हरित क्रांति की अगुवाई करते हुए अपने उत्पादन को कई गुना बढ़ाया तो वहाँ की सरकारों ने भी न्यूनतम समर्थन मूल्य को आधार बनाते हुए उन्हें सरकारी खरीद का सहारा दिया। किसान और सरकार की इस जुगलबंदी का नतीजा ये हुआ कि इन दो राज्यों ने पूरे देश की थाली भरने का जिम्मा उठा लिया। लेकिन इससे सुदूर पूर्व में बिहार में हालात एकदम अलग हैं। किसान ने तो फिर भी अपना पसीना बहाकर राज्य को देश के छठे प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य के तौर पर स्थापित कर दिया। लेकिन सरकार का साथ न मिलने से आज तक कमोबेश किसान अपनी उपज को बेचने के लिए स्थानीय बाजारों, साहूकारों और कारोबारियों के ही भरोसे है। हालांकि अब बिहार में भी पहली बार गेहूं किसानों को बाजार से जोड़ने का एक सरकारी प्रयास शुरू हुआ है, जिसकी अगुवाई बिहार ग्रामीण जीविका कार्यक्रम यानी BRLP कर रहा है। जीविका में गेहूं का काम पहले से भी हो रहा था, जिसमें हम लोग श्री विधि से गेहूं की खेती करवा रहे थे, लेकिन लार्ज स्केल पे उनका मार्केट उपलब्ध नहीं करवा पा रहे थे किसानों का। लेकिन इस बार जीविका ने कंपनी के समर्पण कंपनी के माध्यम से उनके लिए मार्केट की व्यवस्था की है और वो अपना माल सही दाम पर बेच रहे हैं। अभी जो हम लोगों का जो प्रोक्योरमेंट है वो लगभग में 400 MT क्रॉस कर गया है और हमें अभी और 100 MT के लगभग में खरीदारी करनी है। ये 500 टन की गेहूं खरीद बिहार के कुल लगभग 42 लाख टन गेहूं उत्पादन का रत्ती भर ही है। लेकिन इस पहल में सरकार की सीधी भूमिका और रुचि को देखते हुए इसमें कोई शक नहीं कि बिहार के गेहूं किसानों के लिए आने वाले दिनों में ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। फिलहाल इस खरीद प्रक्रिया से बिहार के मुजफ्फरपुर में 2000 किसानों के करीब 30 उत्पादक समूहों को जोड़ा गया है, जिनसे जीविका की टीम गांव में जाकर गेहूं की खरीद करती है। हम लोग दो प्रकार से प्रोक्योरमेंट करते हैं। एक प्रकार से जो हमारा अगर PG से उठाते हैं, हमारा जो गांव से ही उठाते हैं, तो वहां बाजार समिति के रेट से 10 रुपया ज़्यादा देते हैं और यहाँ पर अगर वो पहुँचा करके देते हैं तो 50 से 60 रुपया ज़्यादा देते हैं। बिहार देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जहाँ कृषि उत्पाद विपणन समिति यानी APMC कानून लागू नहीं है। इसलिए जब हम यहाँ मंडी की बात करते हैं तो उसका मतलब केवल एक ऐसी जगह से होता है जहाँ बड़े व्यापारी किसानों का माल खरीदते हैं, लेकिन ये सारी खरीद बिना किसी सरकारी निगरानी के होती है। न बोलियों में कोई पारदर्शिता होती है और न ही तौल में। ऐसे में किसानों को जीविका की खरीद के फायदे शीशे की तरह साफ नजर आने लगे हैं। पिछला साल मंडी में ले जाना पड़ता था तो आने जाने का खर्च भी लगता था। इस बार PG के माध्यम से हम लोग वजन करा के रख देते हैं और गाड़ी का भाड़ा भी नहीं लगता है और PG से बेचने का ये मुनाफा है जो बिचौलिया लोग है जो 2 KG ज़्यादा 4 KG ज़्यादा ले लेता है। PG के माध्यम से हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के माध्यम से 1 KG भी ज़्यादा नहीं लगता है, 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं लगता है और साथ में हम लोग को 10 रुपया कुंटल पर बेनिफिट मिलता है। पिछली बार बेचे थे बिचौलिया के हाथ से तो कम भाव मिला था, कम ले गया वो। एवरी बार PG से जब जुड़े हैं, जब PG में जब सारा माल आया है तो 1520 के मिला है, तो फायदा हुआ है इसमें। पहले बेचते थे 1300-1350 के गेहूँ बेचते थे, मंडी में ले जाते थे, लेकिन गाड़ी का खर्चा भी लगता था, आने जाने का खर्चा बहुत लग जाता था। इनकी साल किए हैं तो हम लोग के 1520 का रेट भी मिला है और आने जाने का खर्चा भी बच गया है। हम लोग के इसमें बेनिफिट हुआ है, 10 रुपये एक बोरा पड़े एक रेट में भी पैसा मिला है हमको। इस PG से बहुत हमको लाभ हुआ है। किसानों से खरीदे गए गेहूं के भंडारण के लिए जीविका ने एक गोदाम भी किराए पर लिया है, जहां इलेक्ट्रॉनिक मशीन से उपज की तौल की जाती है। इसके अलावा बाकायदा कमोडिटी एक्सचेंज
NCDEX के गुणवत्ता मानकों के अनुरूप फसल को तैयार करने के लिए यहाँ क्लीनिंग और ग्रेडिंग भी की जाती है, क्योंकि खरीद किए गए गेहूं को एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से ही बेचे जाने की योजना है। यहां तक कि एक्सचेंज के मानकों के अनुरूप उपज को तैयार करने के लिए जीविका भी अपने प्रतिनिधियों के जरिए किसानों को क्लीनिंग और ग्रेडिंग जैसी पोस्ट हार्वेस्ट गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित कर रही है। अभी हम लोग क्वालिटी स्पेसिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम लोग विलेज के स्तर पे, मतलब गांव के स्तर पे अपने वीआरपी को पहले ट्रेंड करते हैं। वीआरपी की ट्रेनिंग होने के बाद वो वीआरपी पीजी को ट्रेंड करते हैं, पीजी मेंबर्स को ट्रेंड करते हैं, पीजी ऑफिस बिल्डर्स को ट्रेंड करते हैं, ताकि ऐसा माहौल बने कि क्वालिटी के बारे में सब लोग सशक्त हो पाएँ। तो अभी जो हम लोग की जो क्वालिटी स्पेसिफिकेशन है NCDX के मान्यता के अनुसार, हम लोग नमी की मात्रा 10-12% लेके चल रहे हैं। जो टूटे हुए दाने होते हैं उसको 0.5% ले रहे हैं। दूसरे फॉरेन मैटर, जिसको दानों के अतिरिक्त जो भी होते हैं उनको फॉरेन मैटर बोलते हैं, उनको हम लोग 0.5% ले रहे हैं। ये हमारी बेसिक जो चीज़ें हैं, वो बेसिक जो क्वालिटी स्पेसिफिकेशन गेहूं में हम इतना लेकर भी चल रहे हैं। गोडाउन की कैपेसिटी जो है 825 MT है, ठीक है, और यहाँ पे जो है सो पिछले 27 अप्रैल से माल आ रहा है। अभी तक लगभग 125 किसान अपना माल यहाँ जमा कर चुके हैं, जिनका जो है गेहूं का टोटल वजन जो है 400 MT है। दरअसल जीविका से जुड़ने के बाद भाव, तौल और ट्रांसपोर्ट के अलावा एक और बड़ा फायदा यहाँ के किसानों को हुआ है। वो अनजाने में ही कृषि कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX के राष्ट्रीय नेटवर्क के जरिए न केवल हेजिंग जैसे इंस्ट्रूमेंट का फायदा उठा रहे हैं, बल्कि उन्हें भंडारण का लाभ उठाकर बाद के महीनों में गेहूं की बढ़ी कीमतों का लाभ भी मिलने लगा है। प्रोक्योरमेंट स्टार्ट किए थे तो 1470 का था, धीरे धीरे आज का मार्केट में 1650 हो गया। तो इससे पता चल रहा है कि हमारा दिन पे दिन मार्केट भाव बढ़ रहा है। तो हम एक मार्क नेट और NCDX और bazaarwheat.com है, इससे पिछले इसके देख रहे हैं कि हमारा उम्मीद है कि अगस्त तक 1950 रुपये का हो जाएगा। तो इसके द्वारा हम बेचकर जो भी हमें मुनाफा होगा वो हम मेंबर को लोगों को देंगे, और फिर अक्टूबर नवंबर तक उसको हम पूरी सेल करके फिर भी जो भी प्रॉफिट होगा वो हम पीजी मेंबर्स को और मेंबर्स को जो भी बिट दे रहे हैं उनको हम फायदा पहुंचा देंगे। पीजी के साथ काम किए हैं 2000 किसानों के साथ, और इसके बाद में इसको हम खरीद कर अपने गोदाम में स्टोर कर दिए, उसके बाद NCDX के माध्यम से इसको हम बेचेंगे। मुजफ्फरपुर के बोचहा प्रखंड में 33 गांवों से शुरू हुई इस पहल से उत्साहित होकर बिहार सरकार ने अगले सीजन में 120 नए उत्पादक समूहों को जोड़ने की योजना बनाई है, और लक्ष्य है मुजफ्फरपुर से 5000 टन गेहूं की खरीद का। जाहिर है केवल एक जिले मुजफ्फरपुर से एक सीजन में 10 गुना ज्यादा की खरीद की महत्वाकांक्षी योजना अगर अपनी राह पर चल निकली तो बिहार का किसान भी देश के कृषि मानचित्र में समृद्धि का एक नया प्रतीक बनकर उभर सकेगा। हर किसान ये जानता है कि जिस समय वो अपनी फसल मंडी में बेच रहा होता है वो उस साल के लिए उस फसल का सबसे कम कीमत का समय होता है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि उसकी ये क्षमता नहीं होती कि वो गोदाम में अपना माल रखकर उसका दाम बढ़ने का इंतज़ार कर सके। लेकिन अब जीविका की इस पहल से हर किसान के पास ये ताकत आ गई है कि वो गोदाम में अपना माल रख सकता है, और उससे पहले उसे उसकी कीमत भी मिलती है, और बाद में जो मुनाफा उस रखे हुए माल पर होने वाला है वो भी उसे हासिल हो जाएगा। मुजफ्फरपुर से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर।